मोती झील लॉन में चल रहे श्री श्याम जी मित्र मंडल द्वारा आयोजित 37वें श्री श्याम महोत्सव के अगले चरण के शुभारंभ में श्री श्याम प्रभु खाटू वाले के जीवन चरित्र पर आधारित श्री अखंड ज्योति पाठ के साथ कोलकाता की श्रीमती कमला देवी कांकाड़ी मौसी जी के सानिध्य में हुआ। भजन गंगा के प्रवाह का प्रारंभ मुंबई से पधारे श्री आशु वर्मा जी ने खाटू में बैठा प्यारा सावरा मंद मंद मुस्काए, एक झलक जो देखे इसकी दीवाना हो जाए, व श्याम धनी आ जाना मोर छड़ी लहराना, भक्तों पे ये कैसी विपदा आन पड़ी। गाया तो पूरे पांडाल में जय श्री श्याम का उद्घोष गूंजने लगा। तत्पश्चात फतेहाबाद से पधारी सुश्री परविंदर पलक जी ने जो भी मांगो मिल जाता है, करता कभी इनकार नहीं, श्याम के जैसा इस दुनिया में कोई दातार नहीं, और कोलकाता से ही पधारे श्री राज पारिक जी ने बिन बोले सब मिलता है तो मैं बोल के क्या मांगू, एवं थासु विनता करा हाँ बारम्बार सुनो जी सरकार खाटू का राजा मार करो, जैसे सुंदर भजनों की रसवर्षा की, एवं डोरी खेच के राखियो जो ये है बाबा को निशान। गाया तो भक्तों ने नाचते झूमते हुए बाबा को निशान चढ़ाए। निशानों का सैलाब देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो फागुन का मेला आ गया हो। तत्पश्चात श्री श्याम जी मित्र मंडल कानपुर ने स्वयं उत्सव की भजन संध्या की कमान अपने हाथों में लेकर भजन रस वर्षा की। ऐसी छटा बिखेरी कि मानो बाबा श्याम स्वयं नीले घोड़े पर बैठकर भक्तों के बीच में कीर्तन की मस्ती के आनंद की गंगा में डुबकी लगाने आ गए हों, जिससे संपूर्ण प्रांगण आनंदमय हो उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।